प्रभास फिल और एंडेमोस एक कोलेब्रेशन में दो वेब सीरीज़ और एक फिल्म कर रही है। जो एक फिल्म है SLM जो लंदन शूट होने वाली है, और एक फिल्म है लातूर पैटर्न जो लाइक दिस KGF पैटर्न जो टीचिंग के मामले में लातूर हब जो इंडिया में कैसा बुक करता था उसके ऊपर है, और एक द कॉन्विट जो सत्य घटना पर आधारित है, द ट्रू स्टोरी। ये तीन सब्जेक्ट हैं हमारे। नमस्कार, मी प्रभास फिल्म CEO संग्राम। मी सर्वांच्या इथं प्रेस मीडिया वगैरे सगळ्यांवर उपस्थित मान्यवरांचे आभार मानतो की आजच्या ह्या दिवशी इंडेमॉलसोबत आम्ही जोडले गेलो आहे। तर आम्हाला आनंद आहे की हा आमचा पहिला क्षण आहे। तर ह्याबद्दल बरोबर आपण तीन फिल्म, जसं सरांनी सांगितलं, तर त्या तीन फिल्म आपण सक्सेसफुली आणि प्रेक्षकांना 100% त्यांच्या पसंतीला उतरतील अशा प्रकारे आपण इंडेमॉलसोबत काम करतो आहे, आणि असेच इंडेमॉलनं आम्हाला सदैव साथ द्यावी असं आम्ही एक अपेक्षा करतो। थँक्यू। हाँ, जो असेंबली जो सीरीज़ है जो हम लंदन शूट करने वाले, उसमें हम दिखाएंगे कि रियाब सेंटर में लेडीज़ के साथ क्या होता है, पूरा उसके ऊपर बेस है, और कहाँ वो कैसे छूटती है वहाँ से, उनको कैसे छूटना है, बाहर कैसे जाना है, ये उसके ऊपर गाबा है, पूरा सब्जेक्ट डिपेंडिंग है। और जो लातूर पैटर्न, ये स्टाइलिश फिल्म, एक्शन ड्रामा, शायद अभी आफ्टर बॉलीवुड जो अभी स्लैग पर जा रहा है, मुझे लगता है कि जैसे लातूर पैटर्न आएगा तो और बॉलीवुड का नाम ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि साउथ के कंपटीशन में ही सब्जेक्ट है ये पूरा, ये है। अभी SLM सीरीज है, ये 7-8 एपिसोड की है पूरा फर्स्ट सीजन, और सेकेंड सीजन 6 एपिसोड्स का है। करेक्ट। अभी ये सीरीज थोड़ा डिफरेंट है कि लेडीज़ बेस है, लेडीज़ के साथ क्या अत्याचार होता है रिहैब सेंटर में, और बाहर जो लेडीज़ है आउट ऑफ इंडिया वहाँ पे भी जो फॉरेन कंट्रीज उनके ऊपर क्या अत्याचार करती है, उसके ऊपर ये प्लस है सब्जेक्ट पूरा। नहीं, इसमें सब तीनों जो लेडीज़ है अपने, तीन कैरेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सब तीनों ही स्टार है अपने। हमने अभी टेंटेटिव उनके साथ कल्कि कोचे, सोहाली खान, तिस्का चोपड़ा और सोनाली जी से बात हो रही है, सोनाली बेंद्रे जी से बात हो रही है, वो तो ऑलमोस्ट डन होगा, बट हम लोगों ने अनाउंस नहीं करना चाहते थे सोनाली जी का नाम, बट अभी आपने पूछ लिया तो हमने बता दिया, बस बातें चालू ही है। ये जनवरी एंड फर्स्ट वीक में लंदन शूट हो जाएगी, स्टार्ट होगी। प्रभास फिल्म के हमारे फंडर्स है, CEO है हमारे संग्राम जी, ये बेस कोल्हापुर से, और इनकी इच्छा बहुत थी कि कोल्हापुर, जो आपको पता है कि फिल्म जो भी बना इंडियन सिनेमा कोल्हापुर से बॉर्न हुआ है, तो इन्होंने इनकी सोच इतनी अच्छी है कि उन्होंने सोचा कि कोल्हापुर बेस जो चित्र नगरी है अभी भी, जैसे हम फिल्म सिटी बोला जाता है, फर्स्ट फिल्म सिटी इन द इंडिया, उन वो अभी तक बंद है, तो इन्होंने सोचा कि इससे डेवलप और ज़्यादा करेंगे, तो ह्यूज, जैसे हमारी रामोजरा फिल्म सिटी है, सिमिलर संग्राम जी कोल्हापुर में सिमिलर बिग फिल्म सिटी बनाने का प्लान चालू है, ऑलमोस्ट उनका हो गया प्लान उनका सब, तो होप सो और बेटर भी करेंगे हम लोग, और लोकल आर्टिस्ट जो कोल्हापुर बेस्ड है, महाराष्ट्र बेस्ड है, उनको भी बाहर जाने की, फिल्म शूट करना है तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, जैसे हम अभी ट्रेंड चालू है, MPs चालू है, UPs चालू है, उत्तराखंड चालू है, उधर की गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, बट वहाँ इन्होंने सोचा है कि प्रभास फिल्म के थ्रू से उन्हें सब वहाँ पे जो शूट करेंगे इनके फिल्म सिटी में, तो उनको कोलाब्रेशन भी होगा, और प्लस उनको जैसे 30-40% जो बाहर के स्टेट दे रहे हैं अभी, UPs गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट, MPs गवर्नमेंट, तो इन्हें भी 20% to 15% देने का प्लान है इनका, अभी भी वो चालू है प्रोसेस, अभी ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ इन डील करके आगे गो ऑन करेंगे। सो
So these three, whatever projects we are coming up, so they will be very unique. And so we know that South is going to be dominating here. So, but these three films are taken into mind, those aspects. And so crime, thriller, genre, mystery, they have different film genres here. So all, so tino project mein wo barabar wo balance kiya jayega. Madam, would you like to add something? Please loud. हाय एवरीवन, हेलो. सो मुझे अभी ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया गया है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज सर की स्टोरीज है, सर का कॉन्सेप्ट है. बट एक बात कहना चाहूँगी कि बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है. मतलब अभी तक OTT में, वेब सीरीज़ में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आया है. सो आई होप ऑडियंस को पसंद आए और लोग पसंद करें. शायद देख सकते हैं इन वन ऑफ द प्रोजेक्ट, but nothing is confirmed yet. Yes, Nirisha is confirmed. Definitely is doing a web series, actor. I think so, two series, barabar. Two series I've done it. So, sir has said it, now you know. Madam. यस यस डेफिनेटली. आपका क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इसमें है कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी कर रही है, लेडीज़ ही कर रही है, डायरेक्शन मैं कर रहा हूँ उसमें. और जो कोलेब्रेशन है, और दो तीन लेडीज़ हमने ऑन बोर्ड आ चुकी है. मोस्टली हमारे लाइन प्रोड्यूसर जो इंडो मालसी, वो भी लेडीज़ ही है. और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी लेडीज़ है. और जो UK गवर्नमेंट से भी जो हमारा कोऑर्डिनेटर है, कोलेब्रेशन भी हो रहा है, वो भी लेडीज़ ही है. अश्विन चोपड़ा उनका नाम है, वो भी सब लेडीज़ बेस पे हमने रख दिया उनको सब. यानी क्वेश्चन अभी हमारा यस अभी ये हमारा कोलेब्रेशन प्रभास के साथ, प्रभास फिल्म के साथ, संग्राम जी के साथ, ये फर्स्ट कोलेब्रेशन नहीं है. ये गॉन होते ही जाएगा. और फर्स्ट थिंग जो लातूर पैटर्न है, इसमें बिग ही स्टार आएगा, बिग स्टार. उनसे बात चल रही है, बट मैं अनाउंस नहीं कर सकता अभी उनका नाम, बट बिग स्टार है इसमें. और जो आगे की ये तीन प्रोजेक्ट छोड़ के भी हमारे बिग प्रोजेक्ट है आगे, जिसमें शरद केरकर आने वाला है, श्रेयस तलपदे से बात हुई हमारी, वो भी डन हो चुके सब. ऐसे बहुत स्टार है, और जो ए ग्रेड के भी स्टार अभी लातूर पैटर्न के लिए इन है. हमारे कमलेश सावंत भी आने वाले थे, बट उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, वो भी है हमारे साथ. तो ह्यूज ओनली स्टार इन द प्रोजेक्ट्स इंडमॉल एंड प्रभास फिल्म के साथ. एनी क्वेश्चंस? तो वेब सीरीज रिलीज हो रही है आर्ट बालाजी पे, उसका नाम केविन नाइफ है, जो उसके डायरेक्टर कविराज है. तो एक सस्पेंस थ्रिलर है, उसमें राजेश शर्मा जी ने लीड रोल किया है, नेहा महाजन है, अंकित मोहन है, वो भी सुशांत सेलास, ये सब हिंदी और मराठी के कॉम्बिनेशन है. पूरा उत्तराखंड में शूट हो चुकी है. आई थिंक सो आफ्टर 2 मंथ्स के बाद रिलीज़ होगी. Zee5 एंड आर्ट बालाजी का जो कोलाब्रेशन आपको पता ही होगा, उसके साथ रिलीज़ होने वाली है. After 2 months. It's a psychological thriller. Mm-hmm. So it's also a unique subject, like these three unique subjects. So after 2 months, you will see it. और राजेश शर्मा एज अ लीड रोल. केविन नाइफ एंड राजेश शर्मा इज द लीड रोल. नेहा महाजन, अंकित मोहन, सुशांत शेलार, दे आर द एक्टर्स इन दैट. एंड प्रशांत सिंह इज द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर. अनुष्का शिंदे इज प्रोड्यूसर. आई एम अ राइटर. दिस इज फर्स्ट सीजन. ये फर्स्ट सीजन, सो सेकेंड सीजन वी आर प्लानिंग. नेक्स्ट सेकेंड सीजन प्रभास फिल्म के साथ करने वाले, प्रभास फिल्म ही करने वाले. नहीं, उसमें हम लोगों ने बात की है जिमी शेरगिल,
शरद केलकर ऑन बोर्ड है, चाहे विवेक ओबरा है उसमें, माही गिल है और हमारी शिल्पा शुक्ला, ये कास्ट है उसमें, तो ह्यूज वेब सीरीज है। ये प्लान होगा हमारा अप्रैल या मई में शूट है बल्गारिया, सेकेंड सीजन बल्गारिया में कर रही शूट है।